उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ इब्साम, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री प्लस, एक नया दिन एक नई वीडियो। आज की हमारी वीडियो है यंग डॉक्टर्स पे, वो यंग डॉक्टर्स जो मेनली गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हुए हैं। पिछले दिनों मोस्टली न्यूज़ चैनल्स पे आया हुआ था कि आज के बाद यंग डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट का इलाज नहीं करेंगे, ये रद्द अमल ज़ाहिर किया गया था यंग डॉक्टर्स की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये वो खबर है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, पहले आप इस खबर को पढ़ लें फिर हम आगे बात करते हैं। ये खबर तो आपने देख ली है, अब ऐसे डॉक्टर्स के बारे में मैं यही कहूँगा कि आप लोग घर बैठे हैं, आप लोग यहाँ क्या चने लेने आते हैं? इलाज आप लोगों ने नहीं करना, तनख्वाहें आप लोगों ने लेनी होती हैं। आप लोगों की तनख्वाहें 2-2 लाख, 3-3 लाख तनख्वाहें हैं आप लोगों की, और तनख्वाहें लेने में आप लोग सबसे आगे होते हैं। यही अगर आप लोगों की तनख्वाहों में थोड़ी सी कमी कर दी जाए, आप लोग रोडों पर निकल आते हैं। जब तक आप लोगों की तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएँ, आप लोग रोडों से नहीं उठते। शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये चाहिए था, जब मुल्क पे ऐसा वक्त आया है, कौम को आपकी ज़रूरत है, आप सबसे आगे हों, लेकिन अफसोस आप सबसे पीछे आ गए हैं। यंग डॉक्टर्स के पास जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो ओल्ड डॉक्टर से ज़्यादा होती है, लेकिन आप लोगों ने तो कदम अपने पीछे बढ़ा लिए। ऐसी आवाम का क्या होगा, ऐसे लोगों का क्या होगा? फिर कहते हैं हमें तब्दीली चाहिए, हमें तब्दीली चाहिए। जब मुल्क पे ऐसा वक्त आया है, आप लोगों की अशद ज़रूरत पड़ी है कौम को, मुल्क को, आप लोगों ने तो हाथ ही खड़े कर लिए, आप लोगों ने तो इलाज ही करने से मना कर दिया। तो ये कहता हूँ आप लोगों से, अच्छा तो वो चाइना के लोग हैं, चाइना के डॉक्टर्स हैं। जब आप लोगों ने कहा कि हम लोग इलाज नहीं करते, तो उन्होंने हामी भर ली कि हम आएंगे आपका इलाज करने के लिए। क्या वहाँ कोरोना वायरस नहीं था? क्या वो कोई फरिश्ते हैं जो उन्हें कोरोना वायरस नहीं लगता? इंसान तो मेरे ख्याल से सिर्फ आप लोग ही हैं। अफसोस है, डूब मरने का मकाम है आप लोगों के लिए। सल्यूट उन लोगों को जो चाइना से इधर आए, यानी जो डॉक्टर्स चाइना से पाकिस्तान आए इलाज करने के लिए, और मेनली जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान की आवाम उन्हें सल्यूट करती है, और जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के डॉक्टर्स, उनमें फ़ौज के डॉक्टर्स जो हैं, उनको पाकिस्तानी आवाम का सल्यूट है जो उन्होंने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इंसानियत को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए, और ये जो वबा करोना वायरस की आई है पूरी दुनिया में, ये जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाए। और ऐसी काली भेड़ें जो जिनके अंदर इंसानियत का जज्बा नहीं है, अल्लाह ताला इनके दिल में इंसानियत का जज्बा अता फरमाए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक अस्सलामुअलैकुम।